1950 में जब टेक्निकलर फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तब बेहद सारे फिल्मकार देश की पहली टेक्निकलर फिल्म बनाना चाहते थे। ऐसे में महान फिल्मकार सोहरा मोदी साहब ने न सिर्फ देश की पहली टेक्निकलर फिल्म बनाई, बल्कि झांसी की रानी पर उस वक्त की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म बनाई, जिसे आज भी एक आदर्श फिल्म के रूप में देखा जाता है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप जरूर हुई, पर युद्ध का चित्रीकरण, जबरदस्त सेट्स और अभिनेत्री मेहताब के एक्टिंग के लिए सकारात्मक रिव्यूज मिले। मेहताब जी ने पूर्ण आत्मन से झांसी की रानी का किरदार निभाया, पर फिल्म के फ्लॉप हो जाने का पूरा दोष भी बेचारी मेहताब के नसीब आया। 1953 की इस फिल्म को आज कल्ट फिल्मों में देखा जाता है। आज बात हो रही है नाजमा खान उर्फ मेहताब जी की, जो साइलेंट, बोलपर, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फिल्म्स, ऐसे चारों प्रकार के फिल्मों में खूब चमकी। 28 अप्रैल 1918 में गुजरात के नवाब खानदान में जन्मी नाजमा ने मात्र 2 साल के उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर साइलेंट फिल्मों का था, जिसमें 1930 की कमाल ए शमशीर, सेकेंड वाइफ, इंदिरा बीए, जयंत और हमारा हिंदुस्तान फिल्में शामिल हैं, जिसमें मेहताब ने साइड एक्ट्रेस के रूप में काम किया था। पर मेहताब 1932 की वीर कुनाल फिल्म में पहली बार मुख्य किरदार में दिखी। मशहूर डायरेक्टर मोहन भावनानी के इस फिल्म में अशराफ खान भी थे, जिससे मेहताब ने बाद में शादी कर ली। यहाँ से 1941 तक मेहताब ज्यादातर एक्शन फिल्मों में दिखी। उस जमाने की मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन जद्दन बाई ने अपने 2 फिल्म मोती का हार और जीवन सपना में मेहताब को कास्ट कर लिया, पर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में कमाल नहीं कर पाई। पर 1940 की कैदी फिल्म से मेहताब का करियर ढलांग से ऊपर चढ़ने लगा। फिल्म हिट रही, पर मेहताब का संसार टूट गया। वो अपने पति से अलग रहने लगी। 1941 की फिल्म चित्रलेखा में बात सीन करने के बाद मेहताब सबकी नजरों में घूमने लगी। उस वक्त मेहताब ने काफी आलोचना का सामना किया था, पर सोहराब मोदी के आने के बाद उनकी किस्मत बदलने लगी। कम समय के लिए ना सही, पर 1941 से 1946 तक उन्होंने वो स्टारडम देख लिया जिसका सपना हर एक एक्टर का होता है। शारदा, मासूम, भक्त कबीर, ये उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्में रही। एक दिन का सुल्तान और परख फिल्म करते वक्त मेहताब और मोदी साहब की नज़दीकियां बढ़ी और ये रिश्ता 1946 में शादी में बदल गया। पर मोदी साहब के परिवार को मेहताब पसंद नहीं थी। दरअसल वो मुस्लिम थी और उन्हें 8 साल का बेटा भी था, पर फिर भी मोदी साहब ने उनसे शादी कर ली। शादी के बाद भी मोदी साहब ने मेहताब पर कोई धार्मिक जोर नहीं दिया, जिसके चलते शादी के बाद बहराम खान, साथी, शामा, इन फिल्मों में मेहताब ने बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया। 1953 की झांसी की रानी करने के बाद मेहताब ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। इतनी बड़ी और खूबसूरत फिल्म न सिर्फ फ्लॉप हुई, बल्कि पराजय का सिलसिला अकेले मेहताब के और आया। पर इसके 16 साल बाद 1961 में समय बड़ा बलवान फिल्म में मेहताब आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आई। मोदी साहब से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम है महली, जो आज मेहताब के पहले पुत्र के साथ विदेश में है। 10 अप्रैल 1997 को मेहताब जी ने आखिरी सांस ली। उस वक्त वो मुंबई में थी। सोहराब मोदी के साथ मेहताब को भी ये फिल्म जगत भूल चुका है। तो मैं थी आपकी आरजे अनु। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।